Android One service, yani stock Android UI, plus gazab ka camera, plus gazab ka yani dhasu performance wala smartphone is equal to Mi A series. और आप में से बहुत सारे लोग Mi A series के नाम तो सुना ही होगा, साथ में आपने यूज भी किया होगा. अब Mi A series का जो फर्स्ट फोन आया था भारत में वो था Mi A One. क्या फोन था यार, मैंने काफी दिनों तक उसको यूज भी किया. सही में एक अच्छा कैमरा वाला स्मार्टफोन था वो. अभी उसके बाद Mi A Two लॉन्च हुआ. मैं ये नहीं कहूंगा क्यों ये Mi A Two फ्लॉप हुआ, क्यों नहीं सक्सेस हुआ, वो तो अलग बात है. अभी सुनने में ये भी आ रहा है, बहुत तगड़ा न्यूज है भाई, Mi A Three आ रहा है जो Mi A Two का सक्सेसर होगा. अब चलिए देख लेते हैं Mi A Three में आपको क्या स्पेक्स मिलता है, क्या ऐसा फीचर्स मिलता है, साथ में कौन से प्राइस में ये लॉन्च होगा और कब तक ये आपको भारत में देखने को मिल जाएगा. कहीं ना कहीं ये सैमसंग गैलेक्सी A50 को क्या टक्कर दे पाएगा या नहीं. बाय द वे, मेरा नाम है सुमन, आप देख रहे हो गैजेट्स वाला डाइविंग शेड. चलून करबो ना देरी, शुरू करी तातारी. Mi A सीरीज का पहला फोन था Mi A One. काफी अच्छा फोन था, क्या परफॉर्मेंस था, क्या कैमरा था. हाँ, उस समय में Mi A One का कैमरा इतना गजब था, बोके मोड में इतना अच्छा पोर्ट्रेट मोड लेता था, क्या कहें यार. मैंने भी इस फोन को भाई यूज किया था. अभी Mi A Two आया. अब Mi A Two उतना अच्छा पॉपुलर नहीं हो पाया. क्यों नहीं हो पाया ये तो आप जानते ही हो. अब वीडियो के आगे में मैं आपको बताऊंगा. अभी Mi A Three भाई, ये जो Mi A सीरीज होता है ना, ये चाइना में X सीरीज के नाम से जाना जाता है. अब देखो थोड़ा सा हिस्ट्री Mi A सीरीज का. जो चाइना में 5X लॉन्च हुआ था वो भारत में आया था Mi A One के नाम से. जो Mi 6X लॉन्च हुआ था चाइना में वो आया था भारत में Mi A Two के नाम से. अभी जो रिसेंटली अप्रैल में लॉन्च होगा Mi 9X वो आएगा इंडिया में Mi A Three के नाम से. अभी Mi 7X और 8X कहा गया ये तो भाई मत पूछो मुझसे, क्योंकि इसका उत्तर मेरे पास तो नहीं है, Xiaomi के पास है. अभी जो अप्रैल में लॉन्च होने वाला है चाइना में Mi 9X वो भारत में आएगा Mi A Three के नाम से. अभी चलिए डायरेक्टली बात करते हैं इसका जो प्राइस क्या होगा. देखिए मान के चलिए आपको सैमसंग गैलेक्सी A50 से थोड़ा सा कम और Redmi Note 7 Pro से थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा इसका प्राइस. यानी जो कहने का तात्पर्य है वो है इस फोन का प्राइस यानी Mi A Three का प्राइस आपको लगभग देखने को मिल सकता है 17,000 से 18,000 के अंदर. पर ये मान के चलिए 17,000 इसका बेस वेरिएंट होगा, यानी जो 4GB 64GB वाला वेरिएंट. अभी इस फोन में आपको क्या कुछ मिलता है देखिए, उससे पहले ये फोन कब आएगा. देखिए अप्रैल में तो ये फोन लॉन्च हो रहा है चाइना में, आप मान के चलिए उसके बाद 2-1 महीने के अंदर आपको ये फोन देखने को मिल जाएगा भारत में. अभी जब आएगा खरीद लूंगा, आपके साथ अनबायस रिव्यू भी दे दूंगा. अभी चलिए ये जो फोन है Mi A Three ये तो एक कैमरा सेंट्रिक फोन होगा. अब जब कैमरा के बारे में बात कर रहे हैं तो पहले कैमरे के बारे में ही मैं आपको थोड़ा सा स्पेक्स दे देता हूं. अभी देखिए Mi A सीरीज का जो भी फोन है आप देखोगे बहुत ही गौर से तो कैमरा वाला सेंट्रिक फोन होता है. अभी Mi A Three भी एक्सेप्शन नहीं है. अभी पीछे में आपको इस बार 3 कैमरास मिलेगा. जो प्राइमरी कैमरा है वह है 48 मेगापिक्सल का. अब जमाना तो यही चल रहा है ना प्यारो. अभी Redmi Note 7 Pro में भी आपको मिल गया था. अब यहां पे आपको Sony IMX 586 सेंसर भी मिल जाएगा जो काफी गजब का पिक्चर लेता है. उसी के साथ आपको जो सेकेंडरी कैमरा मिलेगा वो मिलेगा 13 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ, जो आपको Samsung Galaxy M30 आपको मिलता है, M20 और A50 यानी A सीरीज में मिलता है वही आपको यहां पे भी मिल जाएगा. साथ में जो थर्ड कैमरा आपको मिलेगा वो है 8 मेगापिक्सल का. अब ये है एक डेप्थ सेंसर. अब ये तो श्योर नहीं हूं ये डेप्थ सेंसर होगा या टेलीफोटो लेंस के साथ आएगा. भाई मैं और मेरा मन ये कह रहा है कि भाई टेलीफोटो लेंस दे दो, जो आजकल के हर एक फोन में मिसिंग है. Mi A1 में आपने दिया था, क्या गजब का पोर्ट्रेट मोड लेता है. इस टेलीफोटो लेंस अगर इस बार Xiaomi प्रोवाइड करता है Mi A Three में तो मैं कहूंगा ये एक तगड़ा कंपटीशन होगा, तगड़ा फोन होगा. साथ में यहाँ पे सामने में भी आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा, यहाँ पे आपको सैमसंग का सेंसर मिल जाएगा. मेरे हिसाब से क्या गजब
का भाई परफॉर्मेंस होगा कैमरा का, क्योंकि कॉम्बिनेशन देखिए 48+13+8 और सामने में 32 मेगापिक्सल। देखते हैं अभी, चलिए इस फोन में आपको जो डिस्प्ले मिलता है ना वो 6.4 इंचेस का, साथ में ऊपर में आपको एक डॉट नॉच मिलेगा और इस बार आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले भी मिल जाएगा, ये सुनने में आ रहा है। अभी Xiaomi के इस फोन में यानी Mi A3 में अगर सुपर एमोलेड डिस्प्ले आता है ना तो भाई Samsung को तोड़ के रख देगा, क्योंकि Samsung का फोन अच्छा होता है एक ही कारण से, क्योंकि इसका डिस्प्ले गजब का होता है और सुपर एमोलेड डिस्प्ले कहीं ना कहीं जो नॉर्मल डिस्प्ले होता है उससे काफी बेहतर है। अभी चलिए मैं यहां पे बात करूंगा, हाँ Corning Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन भी होगा। डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी इस बार आपको खास देखने को मिलेगा, आपको ग्लास डिजाइन मिलेगा, ग्रेडियंट कलर मिलेगा और यहाँ पे साइड में मेटल भी मिलने वाला है। अभी ये जो फोन होगा ना ये काफी अच्छा होगा, पीछे में फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इस बार आपको Xiaomi की तरफ से Mi A3 में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। अब ये अच्छा भी है और ये अच्छा नहीं भी है, क्यों? क्योंकि मैंने रिसेंटली A50 खरीदा था और उसका वीडियो भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। कहीं ना कहीं ये फास्ट जनरेशन फिंगरप्रिंट सेंसर होता है इन डिस्प्ले वाला। अब ये काफी समय एक्यूरेट भी नहीं होता है और स्लो भी होता है, मेरे हिसाब से भाई ये इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भाई आपको हटा दो और साथ में यहाँ पे डेडिकेटेड जो वर्चुअल फिंगरप्रिंट सेंसर होता है वही लगा दो। अब आप कमेंट करो अगर यहाँ पे अच्छा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर हो तो अच्छा है, फास्ट जनरेशन के आप चाहते हो स्लो वाला जरूर कमेंट कीजिएगा। अभी भाई मुझे अच्छा लगता है, आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरा प्रयास अच्छा लगता है, अगर ये सब कुछ आपको अच्छा लगता है तो भाई दिल से एक घंटी को बजा देना, साथ में सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इससे आपको अगर नोटिफिकेशन बेल को पुश करते हो आपको हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन और अपडेट भाई मिलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी मैं यहाँ पे और एक बात ऐड करना चाहता हूं, ये Xiaomi की तरफ से नहीं, ये गैजेट्स वाला की तरफ से। भाई आप मुझे Instagram पे फॉलो कर सकते हो, साथ में Twitter में भी फॉलो कर सकते हो और giveaway भी चल रहा है भाई, थोड़ा सा फॉलो कर लो। अब डिस्क्रिप्शन पे आपको वो लिंक Instagram का और साथ में यहाँ पे Twitter का लिंक भी मिल जाएगा और giveaway वाला का भाई देख लो। चलिए अभी यहाँ पे मैं बात करूंगा हाइब्रिड सिम स्लॉट। भाई देखो Mi A1 में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिल गया था, Mi A2 क्यों यहाँ पे उतना पॉपुलर नहीं हुआ, क्योंकि 3.5mm जैक नहीं था, यहाँ पे आपको माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट नहीं दिया गया था। इस बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ Xiaomi से भाई वो भूल मत करना, इस बार माइक्रो एसडी कार्ड का ऑप्शन जरूर देना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट, नहीं भाई आप हाइब्रिड सिम स्लॉट यानी जो ट्रू हाइब्रिड सिम स्लॉट होता है वो दो, माइक्रो एसडी कार्ड का ऑप्शन जरूर दो। अभी 3.5mm जैक, भाई अगर आप पर्सनली मुझे पूछोगे तो मैं तो चाहता हूं 3.5mm जैक इस बार जरूर हो, क्योंकि Xiaomi को सीख लेना है, क्योंकि Mi A2 में आपने ये मिस किया था, फोन नहीं वहां पे पॉपुलर हुआ था, तो इस बार 3.5mm जैक जरूर देना। अभी USB टाइप सी आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपको USB टाइप सी मिल जाएगा और जो क्विक चार्ज 4.0 उसका भी सपोर्ट मिल जाएगा, तो काफी अच्छा है। अभी मैं यहाँ पे और एक बात ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, साथ में फेस अनलॉक AI टेक्नोलॉजी पे मिलेगा और जो प्रोसेसर यहाँ पे Qualcomm Snapdragon 675 का प्रोसेसर मिलेगा, जो हाल ही में Redmi Note 7 Pro में आपको देखने को मिल गया था। कुछ प्रॉब्लम तो है प्रोसेसर के साथ, पर हाँ प्रोसेसर काफी अच्छा है। और यहाँ पे अगर रही सवाल बैटरी का तो आप तो जानते ही हो, Mi A सीरीज का हर एक फोन में 3300mAh के ज्यादा आपको बैटरी नहीं मिलता है, इस बार भी आपको 3330mAh का बैटरी मिल सकता है Mi A3 में। यही था इस फोन का कुछ स्पेक्स एंड फीचर, साथ में ये स्टॉक एंड्रॉइड UI के साथ आएगा यानी एंड्रॉइड वन सर्विस के साथ, जो आपको 2 साल के लिए भाई अपडेट देता रहेगा। अब आपको अच्छा लगा ये फोन का स्पेक्स? मुझे तो काफी अच्छा लगा। अब ये तो रूमर्स हैं, पर बहुत कुछ सही भी है, जब जब मुझे अपडेट मिलता रहेगा आपके साथ मैं शेयर करता रहूंगा। अब ये फोन आने दो, जो Mi 9X चाइना में अप्रैल में लॉन्च होने वाला है वही इंडिया में आएगा Mi A3 के नाम से, वेट कर रहा हूं, आप भी वेट करो, हाँ अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, आपका समय मेरे साथ भाई बिताने के लिए, और बहुत जल्द आ जाऊंगा और एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।